यीशु का जन्म यहूदा के बैतलहम में राजा हेरोदेस के समय में हुआ था। इसके बाद ज्योतिषी पूर्व से यरूशलेम आए और बोले, यहूदियों के नवजात राजा कहाँ हैं? हमने उनका तारा उदित होते देखा और हम उन्हें दंडवत करने आए हैं। यह सुनकर राजा हेरोदेस और सारा यरूशलेम घबरा गया। राजा ने सब महायाजकों और यहूदी जाति के शास्त्रियों की सभा बुलाकर उनसे पूछा, मसीह कहाँ जन्म लेंगे? उन्होंने उत्तर दिया, यहूदा के बैतलहम में, क्योंकि नबी ने इसके विषय में ये लिखा है, यहूदा के बैतलहम तू यहूदा के प्रमुख नगरों में किसी से कम नहीं है, क्योंकि तुझ में एक राजा उत्पन्न होगा जो मेरी प्रजा इज़राइल का चरवाहा बनेगा। हेरोदेस ने बाद में ज्योतिषियों को चुपके से बुलाया और उनसे पूछताछ कर ये पता कर लिया कि वो तारा ठीक किस समय उन्हें दिखाई दिया था। फिर उसने उन्हें बैतलहम भेजते हुए कहा, जाइए, जाकर बालक का ठीक ठीक पता लगाइए और उसे पाने पर मुझे खबर दीजिए, ताकि मैं भी जाकर उसे दंडवत करूं। वे राजा की बात मानकर चल दिए। उन्होंने जिस तारे को उदित होते देखा था वो उनके आगे आगे चलता रहा और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचने पर ठहर गया। वे तारा देखकर बहुत आनंदित हुए। घर में प्रवेश कर उन्होंने बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और उसे झुककर प्रणाम किया। फिर अपना अपना संदूक खोलकर उन्होंने सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। उन्हें स्वप्न में यह चेतावनी मिली कि वे हेरोदेस के पास नहीं लौटें, इसलिए वे दूसरे रास्ते से अपने देश चले गए।